मेरे बेटे, जरा देख तो, तेरी बहू टुनटुनी मुझे कुल्हाड़ी से मारने के लिए आई है। बस मैंने उससे इतना कहा कि तू खाना ठीक से नहीं बनाती है, इतने में ही नाराज हो गई और कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने के लिए आई। माँ, ये आप क्या कह रही हो? टुनटुनी चिड़िया ने आपको मारने के लिए कुल्हाड़ी रखी है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप चलो मुझे उसके पास लेकर, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी सीतापुर जंगल की है। सुनो जी, अब तो अपना बेटा कालू बड़ा हो गया है और अब कमाने भी लग गया है, तो तुम अपने रिश्तेदारों से कहकर उसके लिए कोई अच्छी चिड़िया देखो ना। मैंने सभी से बोल कर तो रखा है, लेकिन सुंदरी, तुम्हारे लालची स्वभाव की वजह से बात आगे ही नहीं बढ़ती। कालू के पापा इसमें गलत किया है? हाँ, अगर मैं लालच करती भी हूँ तो वो अपने बेटे के लिए करती हूँ, ताकि उसे कोई कमी ना हो। सुंदरी, अगर तुम्हें इतने ही अपने बेटे की फिक्र है तो उनसे खुद कमाने के लिए कहो, लेकिन आने वाली बहू को दहेज लाने के लिए मत कहो। सुंदरी, अगर शादी के वक्त मेरी माँ ने भी ऐसा सोचा होता तो क्या तुम इस घर में बहू बनकर आती? नहीं ना। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद उसके बेटे कालू की शादी टुनटुनी चिड़िया से हो जाती है। वो बहुत गरीब चिड़िया थी, वो अपने साथ बिल्कुल भी दहेज लेकर नहीं आती। सुन टुनटुनी, मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर तू पूरा दहेज लेकर नहीं आएगी तो तब तक तू इस घर में ऐसे ही रहेगी और घर के सारे काम भी तू ही करेगी। अगर तुझे इस घर में अच्छे से रहना है तो तुझे दहेज लाना होगा, तभी तू अच्छे से जिंदगी जी पाएगी। माँ जी, जब मैं पिछली बार अपने मायके गई थी तो पिताजी ने कहा था कि वो इंतजाम कर रहे हैं। अरे ये सब तो मैं कई दिनों से सुनती आ रही हूँ, पर तेरे पिताजी के इंतजाम कब खत्म हो गए पता नहीं। ऐसे ही सुंदरी कौवी अपनी बहू पर रोजाना अत्याचार करती और उससे घर का सारा काम करवाती। जब भी टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू को अपनी सास के व्यवहार के बारे में बताती तो वो गुस्सा हो जाता। मेरी माँ के खिलाफ ऐसी झूठी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ थोड़े से दहेज के लिए ऐसा तो नहीं करेंगी। फिर कालू अपनी पत्नी टुनटुनी को अपने साथ ले जाकर अपनी माँ से माफी मंगवाता है। अपने बेटे के सामने सुंदरी कौवी टुनटुनी से अच्छे से बात करती है। टुनटुनी मेरी बच्ची, अब बस कर, कोई माँ भला अपने बच्चों से नाराज होती है क्या? ये बोलकर सुंदरी कौवी अपनी मनी मन कहती है, देख अब मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। आई बड़ी मेरी शिकायत करने वाली मेरे बेटे से, तुझे इस घर से धक्के मार के ना निकलवा दिए तो मेरा नाम सुंदरी नहीं। दो दिन बाद सुंदरी कौवी ने अपनी बहू टुनटुनी को कुल्हाड़ी लाने के लिए कहा। तब टुनटुनी जाकर कुल्हाड़ी ले आती है। फिर सुंदरी अपने बेटे कालू के पास आकर रोते हुए कहती है, कालू मेरे बेटे, जरा देख तो, तेरी बहू टुनटुनी मुझे कुल्हाड़ी से मारने के लिए आई है। बस मैंने उससे इतना कहा कि तू खाना ठीक से नहीं बनाती, इतने में ही नाराज हो गई और कुल्हाड़ी लेकर मुझे मारने के लिए आ गई। ये बोलकर सुंदरी कौवी कालू कौवी को लेकर बाहर आती है तो वो देखता है कि टुनटुनी के पास कुल्हाड़ी रखी हुई थी। ये देखकर वो गुस्से से कहता है, बदतमीज चिड़िया, तुम मेरी माँ को इस कुल्हाड़ी से मारोगी? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। कालू की इस बात को सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही थी तब उसकी नजरें कुएं पर पड़ती है। उसे देखकर उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता है। नहीं, अगर मैं अपनी जान दे भी दूं तो क्या फायदा? मैं अपनी सास का असली चेहरा अपने पति के सामने नहीं ला पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। ना मैं अपने घर जाऊंगी, मैं यही घर बनाकर यही अपनी जिंदगी जीऊंगी, पर मैं किस चीज का घर बनाऊंगी? तभी उसे एक पेड़ की आवाज आती है। देखो टुनटुनी चिड़िया, इधर देखो, मैं जादुई चूड़ी का पेड़ हूँ। तुम मेरे पेड़ से चूड़ियाँ तोड़कर उससे अपना एक मजबूत घर बना सकती हो। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ से चूड़ियाँ तोड़कर अपने लिए एक मजबूत चूड़ी का घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी के जाने के बाद सुंदरी कौवी को घर का सारा काम करना पड़ता है और अब कालू कौवा भी उदास रहने लगता है। उसे उदास देखकर उसका पिता कड़कनाथ सेठ कालू को सब सच बता देता है।
देखो मेरे बच्चों, माँ से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो जाओ कि अपनी पत्नी को ही गलत समझने लगो। बेटा, टुनटुनी अच्छी है, उनमें कोई कमी नहीं है। हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, देखो ससुराल के धन पर नजर रखने वाला ना तो वो मर्द होता है और ना ही अच्छा जमाई। तो देखो अब तुम अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखो, जाओ टुनटुनी के पास, वो चूड़ी का घर बनाकर जंगल में ही रह रही है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और अपनी टुनटुनी चिड़िया को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो अपने बनाए हुए चूड़ी के घर में रह रही थी। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, पिताजी ने मुझे सब सच बता दिया है। कैसे माँ तुम पर अत्याचार कर रही थी, मैं अब तुम्हारे साथ यही चूड़ियों के घर में रहूंगा। ठीक है कालू जी, जैसी आपकी मर्जी, ये चूड़ियों का घर भी आपका ही घर है। इस तरह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगता है। हिमालय के जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ था। वो पेड़ काफी ज्यादा शक्तिशाली पेड़ था, पर उस पेड़ के बारे में जंगल में रहने वाले पक्षियों में से बहुत कम पक्षियों को पता था। लेकिन एक दिन उस जंगल में रहने वाली सुंदरी नाम की एक लालची कौवी को उस पेड़ के बारे में पता चलता है। सुनो, मैंने जंगल में एक जादुई चूड़ी का पेड़ देखा है। अगर हम उस जादुई चूड़ी के पेड़ में से चूड़ियों को बाजार में बेचेंगे तो हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो जादुई चूड़ियां हैं, पहनते ही सब सुंदर दिखने लगेंगे। अरे वाह सुंदरी, इस तरह से जादुई चूड़ियों को बेचकर तो हम लोग अमीर हो जाएंगे। उसके बाद कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास पहुँचते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 67-1 कितने होते हैं। अरे वाह, इस पेड़ पर लगी जादुई चूड़ियां तो बहुत सुंदर है। हाँ तो सुंदर तो होंगी ही ना, ये जादुई चूड़ियां हैं। मैं तो इसे पहनकर और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। चलो चलो अब सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ते हैं और इसे बेचकर हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जादुई पेड़ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से कहता है, सुनो लालची पक्षियों, तुम दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली हैं। तुम दोनों पैसा कमाने के लिए मेरी जादुई चूड़ियों को तोड़ना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक भी चूड़िया नहीं दूंगा। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सुंदरी, ये पेड़ तो जादुई चूड़ियों को तोड़ने से मना कर रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका उपाय मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और पेड़ को डराते हुए कहती है, देखो जादुई पेड़, ये चूड़ियां मुझे तोड़ने दो वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगी, फिर देखना तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत बेरहम और दुष्ट कौवी हो, मैं तो बिल्कुल भी तुम्हें ये जादुई चूड़ियां तोड़ने नहीं दूंगा, चली जाओ यहाँ से। सुनो जादुई पेड़, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे चूड़ियां तोड़ने नहीं दी तो मैं इसी कुल्हाड़ी से तुम्हें काट के गिरा दूंगी। सुंदरी कौवी की बात सुनकर जादुई चूड़ी का पेड़ डर जाता है और कालू कौवा सुंदरी कौवी को अपनी जादुई चूड़ियां देने के लिए तैयार हो जाता है। कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई पेड़ में से सारी जादुई चूड़ियों को तोड़ लेते हैं और सारी चूड़ियों को बेचने के लिए बाजार में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी और उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उस जादुई चूड़ी के पेड़ के पास आते हैं। एक जादुई चूड़ी के पेड़, हमें एक चूड़ी की जरूरत है, सुना है आप जादुई चूड़ियां देते हैं जो कि काफी शक्तिशाली होती है। हाँ मैं जादुई चूड़ियां देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई चूड़ियां नहीं है, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरी सारी चूड़ियां सुंदरी कौवी और कालू कौवा तोड़ ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आना, तब तक मेरे जादुई पेड़ पे जादुई चूड़ियां लग जाएंगी। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं और उन दोनों की मदद न कर पाने की वजह से जादुई पेड़ भी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उस पेड़ पे फिर से काफी ज्यादा रंग बिरंगी जादुई चूड़ियां उग जाती हैं। फिर उसी दिन कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस पेड़ में से सारी चूड़ियों को तोड़कर बाजार में बेचने चले जाते हैं और बहुत सारे पैसे कमाने लगते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो जादुई चूड़ियों के पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी सुनहरी की शादी है,
कृपया मुझे एक सेट चूड़ियों का दे दीजिए ताकि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर माफ़ी मांगता है और कालू कौवा सुंदरी कौवे की पूरी बातें बताने लगता है। कालू कौवा सुंदरी कौवे के बारे में सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, मैं उस कालू कौवा सुंदरी कौवे को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद उस पेड़ पे जादुई चूड़ियाँ उग जाती हैं और फिर कालू कौवा सुंदरी कौवी उस जादुई चूड़ियों को लेने आते हैं कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और कहती है, मैं कहती हूँ रुक जाओ, अगर तुम दोनों ने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम दोनों फिर से जादुई चूड़ियाँ तोड़ने आए हो, आज मैं तुम दोनों को ये चूड़ियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। ए चिड़िया, तू हमें रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की ओर बढ़ने ही वाली होती है कि तभी टुनटुनी चिड़िया एक जादुई चूड़ी को तोड़ लेती है और उसकी शक्तियों से कालू सुंदरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देती है। अरे अरे, ये क्या, हमें छोड़ दो, हम आगे से ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। आज तुम दोनों को तुम्हारी गलतियों की सजा मिली है। तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज मौका मिला है, मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों आज से हमेशा यहीं पे बिना खाए पिए बंद रहोगे। जितने भी पक्षी यहाँ पर पेड़ से चूड़ियों को तोड़ने आएंगे वो तुम्हारी करनी को देखकर समझ जाएंगे कि किसी को परेशान करना या चोरी करना कितना बुरा होता है।